ज़ेनो ड्रैगन बॉल में सबसे पावरफुल है। वो अपने हाथों से ही किसी को भी रेस कर सकता है। वो किसी भी गॉड से लेकर पूरे यूनिवर्स को रेस कर सकता है। उसके ऊपर कोई नहीं है और वो बिलियन ईयर्स से जिंदा है। पर इन बिलियन सालों में उसका सबसे पहला दोस्त गोकू था। वो इतने टाइम तक रहा लेकिन उसने आज तक किसी को गोकू जैसा नहीं देखा। और ज़ेनो भी गोकू का दोस्त बनना चाहता था। और इसकी वजह सिंपल है कि सारे गॉड्स और एंजल्स ओमनी किंग के सामने डरे हुए होते हैं। वो कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहते क्योंकि उन्होंने कुछ भी किया तो ज़ेनो उन्हें एक सेकंड में रेस कर देगा। सब ज़ेनो से डरते हैं और बिल्कुल एक रोबोट जैसे बन जाते हैं ज़ेनो के सामने। ज़ेनो को इसकी आदत हो गई है। लेकिन जब वो गोकू से मिला तो गोकू उससे बिल्कुल नेचुरली बात करता है। और ओमनी किंग ने भी ये देखा और उसे भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उसे गोकू बहुत पसंद आया। वहीं गोकू सबसे इसी तरह बात करता है, चाहे वो बीरस हो या कोई भी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन है, चाहे वो एक गॉड हो या खुद ओमनी किंग, जैसे हरक्यूल और माजिन बू हैं। बू को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। अब गोकू और ज़ेनो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन क्या होता अगर गोकू को कुछ हो जाता? क्या होता अगर वो सीधा मर जाता और ओमनी किंग उसको देखकर कैसे रिएक्ट करता? जिसने भी गोकू को मारा उसको कैसी पनिशमेंट मिलती? क्या वो रेज हो जाता या उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता? लेकिन सच्चाई तो ये है कि बाहर से ज़ेनो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से उसे बिल्कुल परवाह नहीं होगी। अब तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि वो दोनों तो अच्छे दोस्त हैं, कैसे ज़ेनो उसको खेलने के लिए बुला रहा था? लेकिन ओमनी किंग को तब भी कोई परवाह नहीं है और इसकी एक अच्छी वजह है। ओमनी किंग के लिए उसके लेवल पर कोई नहीं है। वो सबको नीचे देखता है और उसके ऊपर कोई नहीं आएगा। और वो गोकू को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो एक खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है और फाइटर भी। वो हर वक्त कुछ नया करता है जिससे ओमनी किंग को बहुत मज़ा आता है। ये उसकी एंटरटेनमेंट है, इसीलिए उसे एक और टूर्नामेंट चाहिए था जिसमें पहले से भी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स हों। ज़ेनो बिलियनियर से एक गॉड है। वो हर वक्त बोर्ड रहता है और गोकू जैसे लोग उसे कहीं नहीं मिलते। और इन बिलियनियर्स पे जब वो सब पर नज़र रख रहा था, उसने करोड़ों लोगों को मरते हुए देखा। कैसे पूरे यूनिवर्स में क्रिमिनल्स हैं और हर जगह करप्शन है। यह सब बार बार देखकर सालों तक किसी को भी परवाह नहीं होगी। ये हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा जब ओमनी किंग ऐसे ही सारे यूनिवर्स को इरेज कर देता है। उसे कोई परवाह नहीं इन यूनिवर्स की या भी उनमें जो भी मॉडल्स हैं। हाँ, वो गोकू को पसंद करता है लेकिन मुझे नहीं लगता उसके मरने से वो गुस्सा होगा जैसे माजिन बू गुस्सा हुआ था, जबकि वो दोनों सेम हैं। पर ज़ेनो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ेनो गोकू को भी रेस करने के लिए तैयार था। जब गोकू गायब हो गया था, वो उस बटन को दबाने ही वाला था। उसे बुरा या गुस्सा नहीं आ रहा, वो बिल्कुल एक रोबोट जैसा है, इसलिए सब उसको देखकर एक रोबोट जैसे बन जाते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करता, बिल्कुल एक मशीन की तरह। वो गोकू से अच्छे से बात करता है लेकिन वो तब भी उसे रेस करने के लिए तैयार है। उसकी फैमिली और उसका पूरा यूनिवर्स, ज़ेनो सब रेस करने के लिए तैयार है। वो मशीन और रोबोटिक तब नहीं होगा जब ये उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। अगर गोकू उसकी मर्ज़ी के बिना मारा गया तभी उसको परवाह होगी। जैसे जब ओमनी किंग के गार्ड्स उसकी मर्ज़ी के बिना आगे आ रहे थे, उनको पता है ज़ेनो एक रोबोट जैसा है, तो वो गोकू को उससे दूर रखना चाहते थे। लेकिन ओमनी किंग उन्हें मना कर देता है जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। ज़ेनो बोलता है गोकू को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और वो डर में पीछे हो जाते हैं। उसे तभी फ़र्क पड़ेगा जब उसका बेस्ट फ्रेंड गोकू वो उसकी मर्ज़ी के बिना मारा जाएगा। और ये दुखी करने वाला है क्योंकि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर ओमनी किंग कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम दोस्त बनोगे। वो वजीटा या क्रेलन की तरह नहीं है कि तुम उसके साथ घूमोगे। और गोकू को भी ये पता है, जब ज़ेनो ने उसको खेलने के लिए बुलाया था तो गोकू ने मना कर दिया और बोल दिया कि वो किसी और को लेकर आएगा, जो कि आखिर में और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर ओमनी किंग था। ये अजीब है क्योंकि टूर्नामेंट के आखिर में हम उनको फिस्ट बम करते हुए देखते हैं, लेकिन ज़ेनो को कोई परवाह नहीं होगी अगर गोकू रेज हो गया। ओमनी किंग को बस अपने एंटरटेनमेंट की परवाह है, इसलिए बीरस भी उससे डरता है। वो ऐसी कोई भी बेकार हरकत नहीं करना चाहता जिससे वो और उसका यूनिवर्स खतरे में आ जाए। वहीं गोकू की वजह से टूर्नामेंट शुरू हुआ, वरना ओमनी किंग उसके बारे में भूल ही गया था। गोकू और ओमनी किंग अच्छे दोस्त होंगे,
पर ज़ेनो को उसकी कोई परवाह नहीं है। शायद ये इसलिए है वो कि गॉड्स को अपना काम करना ज़रूरी है। जैसे जब बीरस अर्थ पर आया था तो वो भी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, मगर आखिर में उसने गोकू की वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं किया। साथ में उसको अर्थ का खाना भी पसंद आया, लेकिन ज़ेनो ऐसा नहीं करता। ज़ेनो ना ही फाइटिंग करता है और ना ही उसे खाना पसंद है, इसीलिए सारे गॉड्स उससे डरते हैं। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या ओमनी किंग को फ़र्क पड़ेगा अगर गोकू मारा गया? तुम वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।